बागपत से इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, स्कूल परिसर में मासूम छात्र की मौत हुई है। जी आपको बता दें, एक स्कूल वाहन ने 6 वर्षीय मासूम को कुचल दिया है। गाड़ी बैक करते समय यह हादसा हुआ है। परिजनों ने स्कूल परिसर में पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया है। तो बता दें, थाना चांदीनगर के रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की यह घटना है, जहां पर एक मासूम की स्कूल वाहन से कुचलकर मौत हुई है। बागपत से इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छात्रों के परिजन और लोगों की मांग पर डीएम राजकमल यादव, एसपी नीरज कुमार जादौन स्थल पर पहुंच चुके हैं। फिलहाल परिजनों और लोगों के साथ एसपी और डीएम की वार्ता चल रही है। बागपत से इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर एक स्कूल परिसर में ही मासूम छात्र, जो 6 वर्षीय छात्र था, उसकी स्कूल वाहन से कुचलकर मौत हुई है। पता जा रहा है कि गाड़ी बैक करते समय यह हादसा हुआ है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने परिसर में पहुंचकर हंगामा किया है। बड़ी संख्या में स्कूल में पहुंच रहे हैं क्षेत्र के ग्रामीण, कई थानों के फोर्स मौके पर मौजूद है। थाना चांदीनगर के रॉयल कॉन्वेंट इंटर कॉलेज की यह पूरी घटना है, जहां पर एक 6 वर्षीय छात्र की स्कूली वाहन से कुचलकर मौत हुई है। देखिए, आज ये बहुत ही दुखद घटना हुई है हम यहाँ पर, और इसमें जो लोग भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करी जा रही है। परिवार की तहरीर के आधार पर सुसंगत धारा में मुकदमा दर्ज हो चुका है, गाड़ियां व्हीकल सीज की जा चुकी हैं, और विद्यालय की भी हम लोग सीजिंग कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी नियम संगत कार्रवाई हम लोग उसमें कर रहे हैं, हम सभी की सांत्वनाएं, हम सभी का जो दर्द है परिवार के, हम सब लोग उनके साथ हैं, और इसमें किसी प्रकार के कोई भी जो व्यक्ति किसी प्रकार से इसमें लिप्त है उनको छोड़ा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। स्कूल के खिलाफ हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं, जो भी विधि कार्रवाई हमसे हो सकती है हम करेंगे। गाड़ी जी है, बिल्कुल, ये गाड़ी जिस प्रकार की है इसमें सभी लोगों का दायित्व निर्धारित किया जा रहा है, जबकि अभियान चल रहा था, उसके बाद भी अगर इस प्रकार के लापरवाही करती है तो संबंधित विभाग के जो लोग हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई करी जाएगी। देखिए, ये मेरी जानकारी में नहीं है किस प्रकार कारोबार करते हैं, वो सब जांच का विषय है, जो पुलिस जिस प्रकार जांच करके देगी उसमें देखा जाएगा, लेकिन वर्तमान में जिस विद्यालय में खड़े हैं इसके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। जी, उनकी जो भी डिमांड्स हैं कार्रवाई के लिए उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।